नमस्कार दोस्तों, रेजिस्ट्रेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है राजकोषीय नीति यानी कि बजेटरी पॉलिसी को जो है पढ़ रहे हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने करारोपण के बारे में अध्ययन किया था कि करारोपण क्या है और यह एक राजकोषीय युक्ति और नीति का जो है हिस्सा होता है। और करारोपण के जो प्रकार, विभिन्न प्रकार के कर, GST, इन सभी जो है बिंदुओं को कवर किया था। तो इनसे जो आय प्राप्त होता है वो किन विषयों पर होता है, उसका वितरण कैसे होता है, तो इन सभी बातों को लेकर के हम केंद्र और राज्य के बीच में जो है एक वित्तीय संबंध होते हैं, किन विषयों के माध्यम से और कैसे अधिकार प्राप्त होते हैं, इसको आज हम जो है कर राजस्व वितरण एक टॉपिक के अंतर्गत या केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध के स्तर पर जो है समझने का प्रयास करते हैं। भारत में जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का जो है विभाजन किया गया है वो सातवीं अनुसूची के माध्यम से जो है सातवीं अनुसूची के स्तर पर सातवीं अनुसूची में जो है तीन सूचियों के माध्यम से जो है किया गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये तीन सूचियों के माध्यम से जो है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें जो है विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय जो है संबंध तीनों को जो सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर भाग 12 के अंतर्गत जो है, भाग 12 में, चूंकि इस वक्त हम लोग जो है वित्तीय संबंधों को देख रहे हैं, तो आर्टिकल 268 से लेकर के जो है 293 के बीच में वित्तीय संबंधों के बारे में जो है वर्णन किया गया है, यानी कि एक संवैधानिक जो प्रावधान किया गया है। तो जब हम वित्तीय संबंध केंद्र राज्य के बीच में जो है पढ़ते हैं तो हमें इस चीज के बारे में एक फैक्चुअल जानकारी तो कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार जो परीक्षा में यहाँ से भी सवाल जो है पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल क्या है और किस अनुच्छेद के जो है बीच में जो वित्तीय संबंध के बारे में जो है प्रावधान और उपबंध किए गए हैं। तो इसके बारे में भी जानकारी जो है एक फैक्चुअल होना चाहिए, या मोटा मोटा इतनी भी जानकारी जो है आप लोगों को होना ही चाहिए कि सातवीं अनुसूची में जो तीन सूचियों के माध्यम से पहली बार तो केंद्र और राज्य के बीच में जो है संबंध स्थापित है। अब इनमें जो संबंध है वो विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय तीनों प्रकार के हैं। अब हम जब वित्तीय पे आएंगे तो बारहवीं जो है भाग में जो है, भाग 12 में जो है अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में जो है वित्तीय संबंध जो है स्थापित किए गए हैं। भारत में जो है विषयों के माध्यम से जैसे जो सूचियां बनाई गई हैं उसमें समय समय पर खैर सूचियों की संख्या बढ़ती भी गई है, 161 और 52 इस तरीके के जो विषय हैं इनमें जो है इन जो है विषयों के माध्यम से जो है इनका शासन संचालित होता है। इस विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार जो है क्रमशः इस प्रकार से होता है कि संघ सूची पर जो है जो विषय है उस पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, और समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों को ही जो है शक्तियां प्राप्त होती है, दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। परंतु यदि दोनों ही स्तरों पर बनाए गए कानून में किसी भी तरीके के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्य के द्वारा बनाया गया कानून उस सीमा तक शून्य घोषित होता है जहां तक वह केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से टकराव की स्थिति में आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाली इस व्यवस्था में जो है कानून के क्षेत्र में या विभिन्न विषयों पर कानून बनाने के संदर्भ में जो शक्तियां हैं उसमें केंद्र को ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया है। अब इसके पीछे के कई तर्क हो सकते हैं कि देश में एकरूपता को बनाए रखना है, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना है, देश में विविधता में एकता के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये सारे एक और कई प्रकार के तर्क इसके पीछे दिए जाते हैं। परंतु यहां पर इस बात को समझना ही है कि केंद्र के स्तर पर जो है संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है तो केंद्र अपने पास इस तरीके की शक्तियां जो है रखा है संविधान के माध्यम से, ताकि देश के समक्ष आने वाले किसी भी प्रकार के जो है आपातकाल में इस स्थिति से जो है निपटने में मदद मिल सके। तो ये जो है सूचियों के माध्यम से जो है विषयों का वर्गीकरण किया गया है और उन विषयों पर उन सरकारों के द्वारा कानून बनाया जाता है। और यदि समवर्ती सूची के विषय में दोनों स्तरों पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर संघ के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा और राज्य के द्वारा बनाया गया कानून उस सीमा तक शून्य घोषित होगा जहां तक वह केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से टकराव की स्थिति में आता है। तो
तो ये व्यवस्था जो है इन सूचियों के माध्यम से बनाई गई है। बेसिकली इन सूचियों के माध्यम से जो विषय निर्धारित किए गए हैं उन विषयों में जो है कार्य क्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता के जो सिद्धांत को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है, ताकि राज्यों की अपनी जो कार्य क्षमता है उनके लिए जो उपयुक्त व्यवस्था हो सकती है उन सभी बिंदुओं को जो है सम्मिलित करते हुए ये विषय जो है बनाए गए हैं। कि कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जैसे संचारी एवं डाकतार, चूंकि वो पूरे देश के स्तर पर जो है संचालित होता है, तो ये ऐसे विषयों को जो है वो केंद्र के पास रख दिया है। तो राज्य को राज्य स्तर या क्षेत्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है, राष्ट्रीय स्तर और महत्व के विषयों को संघ सूची में रखा गया है जिसपे केंद्र सरकार के द्वारा जो है कानून बनाए जाते हैं। सूचियों की एक संघ सूची और राज्य सूची का एक लिस्ट है, उस लिस्ट के माध्यम से जो है आप कुछ जानकारी जो प्राप्त कर लेंगे। हम यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताने का जो प्रयास करेंगे या इस पर आधारित जब हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे आप लोगों को जो है ये पता चलेगा कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण जो है वो विषय हैं वो संघ सूची में है और जो कौन से हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। अब जैसे कानून व्यवस्था है, पुलिस है, ये सारी चीजें स्थानीय स्तर पर जो है राज्य सरकार के द्वारा देखी जाती हैं, और दूसरे स्तर पर जो है जो राष्ट्रीय स्तर के जो है या राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है कानून उस पर बनाए जाते हैं। तो ये सारी जो है बातें इसमें जो सम्मिलित होती हैं। अब जैसे भारत में राज्यों की तरफ से ये हमेशा से बात रखी जाती है कि संविधान के माध्यम से केंद्र के पास जो है ज्यादा और महत्वपूर्ण विषय है, ज्यादा और महत्वपूर्ण विषय है जिससे उनको ज्यादा कर राजस्व की प्राप्ति होती है। तो चूंकि भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था बनाई गई है वो कनाडा के जो है स्तर पर या तर्ज पर जो है जहां पर जो है राज्यों को केंद्र से जो है राजस्व की प्राप्ति होती है, राज्यों को केंद्र से जो है राजस्व की जो प्राप्ति होती है, इसी कारण से जो है यहाँ पर भी इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है कि अगर किसी भी प्रकार की विशिष्ट स्थिति आती, कोई विशिष्ट योजना आती, कोई आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, बाढ़, सूखा, आपदा, तो उस स्थिति में जो है राज्यों को केंद्र से जो है राजस्व अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में जो है प्राप्त होता है। तो ये बातें जो है इन प्रावधान के बारे में जो है रही। कुछ आर्टिकल हैं जिसके माध्यम से एक संवैधानिक प्रावधान किया गया है और उस पर अलग अलग प्रकार से करों को आरोपित करने, उसकी वसूली करने और उपयोग करने की व्यवस्था जो बनाई गई है। जैसे आर्टिकल 268, आर्टिकल 268 में ऐसे प्रकार के कर के बारे में जो व्यवस्था की गई है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्यों के द्वारा वसूली किया जाता है और वही उसका जो प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत जैसे स्टाम्प शुल्क है, स्टाम्प शुल्क है। अब ये स्टाम्प जैसे रजिस्ट्री के संदर्भ में स्टाम्प के माध्यम से शुल्क जो है अदा किया जाता है। अब स्टाम्प पेपर पर पहले आते थे, वर्तमान समय में सरकार की नीति बदल रही है और अब ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में ई स्टाम्प के रूप में जो है अब ये मार्केट में आएगा। तो 269 में इस तरीके की व्यवस्था की गई है। 269 के जो है अंतर्गत आर्टिकल 269 के अंतर्गत जो है इस तरीके की जो है व्यवस्था की गई है और ऐसे करों को सम्मिलित किया गया है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है वही वसूली करता है परंतु वह राज्यों को जो है उसे दे देता है। तो इसके अंतर्गत जो है रेल भाड़ा है और सवारियों पर जो कर लगते हैं उनके बारे में जो है व्यवस्था की गई है कि यह कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा, वही वसूली करेगा परंतु यह राज्यों को दे देता है। अनुच्छेद 270 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है, ऐसे कर आते हैं जिसे केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है वही वसूल करता है और केंद्र और राज्यों के बीच में वितरित हो जाता है। इसके बारे में कई बार प्रारंभिक स्तर की परीक्षा में सवाल भी पूछा गया है कि कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, विशेष करके इनकम टैक्स को भी कहा। अब इनकम टैक्स के बारे में अगर आप व्यवहारिक स्तर पर लेंगे तो जो भी सैलरी प्राप्त कर रहे हैं जो है राजकोष से या जो एक फाइनेंशियल ईयर में जिनकी भी विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी से, व्यापार से, बिजनेस से वैयक्तिक इनकम हो रही है उनको उस वित्तीय वर्ष पर जो है टैक्स स्लैब के अनुसार जो है कर दिया देना होता है और इस कर को लगाने का काम केंद्र सरकार करती है, वही वसूली करती है आयकर जो अधिनियम 1961 के माध्यम से, और दूसरी तरफ आयकर जो विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जिसके कर्मचारी हैं ऊपर से नीचे तक उनकी हायरार्की है और उनके माध्यम से जो है इस कर प्रशासन को जो है व्यवहारिक स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जाता है। तो 270 के अंतर्गत जो है इनकम टैक्स के बारे में व्यवस्था है और इसमें ऐसे करों को सम्मिलित किया गया है
जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है उसकी वसूली की जाती है, परंतु वो केंद्र और राज्य दोनों के मध्य में वितरित हो जाता है। तो ये व्यवस्था होती है आयकर के संदर्भ में। 271 में जो है एक स्पेशल किस्म की व्यवस्था की गई है कि कुछ शुल्क और जो है कुछ शुल्क और करों पर केंद्र सरकार के जो है प्रयोजन के लिए जो है अधिभार कर को आरोपित किया जा सकता है। सरचार्ज जिसको कहते हैं, अधिभार कर, सरचार्ज, अधिभार कर मतलब एक कर होता है, एक अधिभार कर। अभी इसमें हम बताएंगे। पहले तो हमने एक शब्द यहां पर बोला कि कुछ शुल्क और करों के बारे में। अब शुल्क और कर में क्या अंतर है, शुल्क और कर में क्या अंतर है? जब सरकार किसी भी जो है प्रकार के ऐसे आय जिसके बदले में जो है सरकार का ऐसा आय या व्यवस्था जिसके बदले में सरकार कुछ जो है सेवा प्रदान करती है, तो वहां पर जो आय होता है वो शुल्क कहलाता है। परंतु जब सरकार बिना किसी सेवा के जो है किसी भी प्रकार के प्रावधान से आय प्राप्त करती है वो टैक्स कहलाता है, यानी कि टैक्स में वो किसी भी प्रकार की कोई सेवा नहीं देता है। जैसे इनकम टैक्स है, इस पे किसी प्रकार की सेवा नहीं देता। लेकिन जब शुल्क की बात आएगी, फीस जिसको, ये टैक्स होता है और ये जो है ये फीस होता है। फी में जो है किसी भी प्रकार की जो कोई सेवा, इसमें सेवा के बदले दिया जाता है, और टैक्स में किसी भी प्रकार का कोई जो सेवा नहीं दिया जाता है। तो बात यहां पर हम लोग कर रहे थे कि कुछ विशिष्ट प्रकार के जो है कुछ शुल्क और करों पर जो है केंद्र सरकार के प्रयोजन के लिए अधिभार कर जो है लगाने की व्यवस्था की गई है। तो ये जो होती है वो अधिभार कर के बारे में व्यवस्था। अधिभार कर के बारे में एक विशेषता यह है कि अधिभार कर जो है वो कर दायित्व पर लगाया जाता है। ये थोड़ा सा एक तकनीकी शब्द है जिसको समझने की आवश्यकता। कर दायित्व का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के इनकम पर जो टैक्स बन रहा है, किसी व्यक्ति के इनकम पर जो टैक्स बन रहा है, उस टैक्स, किसी व्यक्ति की जो इनकम है उस इनकम पर जो टैक्स बन रहा है, उस टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो अधिभार कर होगा, यानी कि कर पर कर, कर पर कर। अभी हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी देखेंगे, टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज कॉल्ड अधिभार, यानी कि सरचार्ज। तो कर दायित्व पर या कर के ऊपर या कर पर कर जो लगता है वो अधिभार कर की श्रेणी में आता है। ये जो है, और इसके बाद ये आय कर पर जो है लगाया जाता है, ये आय कर पर लगाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है असमानता को कम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है असमानता को कम करना है। इसके अलावा जो है एक और है उपकर। उपकर से यह किस तरीके से जो भिन्न होता है, जहां पर यह कर के दायित्व पर लगाया जाता है वहीं पर उपकर जो है कर के आधार पर लगाया जाता है, कर के आधार पर लगाया जाता है। अब यहां पर कर के दायित्व और कर के आधार का क्या मतलब है? जैसे कर के दायित्व का मतलब टैक्स ऑन टैक्स, जो एक व्यक्ति की इनकम के सापेक्ष किसी वित्तीय वर्ष में कर बन रहा है, उस कर के ऊपर अगर कर लगाया जा रहा है तो ये हो गया। लेकिन अगर कर योग्य जो आय आती है, जो कर योग्य आय बनती है, उसके ऊपर अगर कोई कर लगता है तो वह जो है कहा जाएगा कि कर के आधार पर कर लग रहा है। कर के आधार का मतलब जिस जो है इनकम पर कर लग रही उसको कर का आधार कहा जाएगा। तो वो चीज हो जाएगी, अभी हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं, उसे कहेंगे जो है उपकर कहा जाता है। यह जो है सभी प्रकार के करों पर जो है लगाया जा सकता है, सभी करों पर लगाया जा सकता है, और इसका उद्देश्य जो है किसी विशिष्ट प्रकार के जो है प्रयोजन को पूरा करने के लिए जो होता है, विशिष्ट प्रयोजन को पूरा करने के लिए होता है। सभी प्रकार के करों पर लगाया जा सकता है, कर के आधार पर जो है यह कर लगाया जाता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से जो है इसको समझने का जो है प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जो इनकम है, किसी व्यक्ति की इनकम 800,000 रुपए है, किसी व्यक्ति की इनकम किसी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष का मतलब 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इस पीरियड में जो भी प्राप्ति होगी व्यक्ति की, इस पीरियड में जो भी व्यक्ति की प्राप्ति होगी वो उसकी जो है कुल इनकम जो है ग्रास सैलरी, उसको जो है समग्र आय कहा जाता है, समग्र आय जो है उसको कहा जाएगा।
तो अब इस इनकम में से दो प्रकार की चीजें, अगर वर्तमान समय के टैक्स स्लैब को देखा जाए तो 50,000 रुपए उसका जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन में कट जाएगा, और इसके अलावा जो है 1,50,000 रुपए की वो 80 धारा CC के अंतर्गत जो है 80 CC के अंतर्गत वो बचत दिखा सकता है 1,50,000 रुपए। तो यहां पर जो है 1,50,000 ये हो गया, टोटल जो है उसका 2,00,000 हुआ, टोटल जो है 2,00,000 वो इस श्रेणी से घट जाता। अब उसकी इनकम कितनी बची, 8 माइनस जो है 2, 6,00,000 रुपए। ये 6,00,000 रुपए अगर हम इसको जो है मान लेते हैं, अब उसकी जो है टैक्सेबल इनकम आई, टैक्सेबल यानी कि कर योग्य आय बनती है। तो अब ये कर योग्य आय जो बन रही है, यहां पर दो चीजें होंगी, एक तो जो हम कर आधार की बात कर रहे थे वो कर आधार जो है ये 6,00,000 रुपए है, लेकिन अगर इसके ऊपर अब टैक्स वर्तमान समय में देखा जाए तो 2,50,000 तक जीरो टैक्स, इसके बाद जो है 2.5 से लेकर 5 तक जो है 5% के हिसाब से 12,500 रुपए इस पे टैक्स आ जा रहा है, प्लस इसके बाद जो है 1,00,000 रुपए, 5 के बाद 1,00,000 रुपए उसकी इनकम और है, जो कि 5,00,000 के बाद 20% टैक्स, यानी कि 1,00,000 का 20% 20,000 रुपए जो है इसका टैक्स हो जाएगा। इसकी कुल जो है कुल टैक्स हो जा रहा है 32,500 इसका टैक्स हो रहा है। अब ये जो है ये कर का दायित्व है जो हम लोग यहां पर देख रहे थे, ये जो देख रहे थे ये है कर का दायित्व। कर का दायित्व हो गया कि 32,500 उसका कर दायित्व है और जो कर का आधार है वो 6,00,000 रुपए आ गया। तो अब इस पे अगर कोई टैक्स लगता है तो ये माना जाता है कि यह जो है कर के आधार पर लग रहा है और यह उपकर की श्रेणी है, और जब कर के दायित्व पर कोई टैक्स लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, कर के दायित्व पर अधिभार कर, जो कि कर पर कर यानी कि टैक्स ऑन टैक्स इसको कहा जाता है। तो उम्मीद है कि इस उदाहरण के माध्यम से जो है अधिभार कर और उपकर के बारे में जो है कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ व्यवस्था थी 268, 69, 70 और 71 में जो है, आर्टिकल 270 और 71 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में प्रश्न भी पूर्व में पूछे जा चुके हैं। तो कुछ चीजों को जो है आप फैक्चुअल भी अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार से पूछे गए सवालों पर अपना उत्तर जब आप लोग लिखेंगे तो वहां अगर इससे संबंधित चीजों को अगर आप बताते हैं तो डेफिनेटली आपका उत्तर जो है प्रभावी बनेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें जो है महत्वपूर्ण जो है बनती है। अब हम उस संभावना पर जो है विचार करेंगे, कि चूंकि विषयों के माध्यम से जो टैक्स प्राप्त हो रहे हैं, अब पुनः जो है विषयों के माध्यम से जो टैक्स प्राप्त हो रहे हैं, तो चूंकि केंद्र से राज्यों को टैक्स प्राप्त होते हैं, तो तीन ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें केंद्र से जो या राज्यों को जो है राजस्व की प्राप्ति हो जाती है। सहायतार्थ अनुदान जो है प्राप्त हो रहा है, और दूसरा जो है सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हो रहा है या विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए जो है धनराशि का हस्तांतरण जो है सामाजिक या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों के लिए भी हस्तांतरण जो है किया जा रहा है, या आर्टिकल 282 के जो है अंतर्गत किया जा रहा है सहायतार्थ अनुदान किया जा रहा है, या इसको भी जो है आप अनुदान भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 275 के अंतर्गत दिया जा रहा है जिसकी अलग व्यवस्था, 275 के अंतर्गत दिया जा रहा है। और तीसरा जो है ऋण लेने की जो है ऋण की जो व्यवस्था होती है कि ऋण भी जो है लिया जाता है, ये जो है आर्टिकल 293 है, 92 में जो है भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है और 93 में जो है राज्य के द्वारा भी जो है ऋण लिया जा सकता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है राज्यों को सहायतार्थ अनुदान भी जो है दिए जाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि राज्यों के बीच में विभिन्न राज्यों के बीच में जो असमानताएं विद्यमान है उस असमानताओं को दूर किया जाए, या संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करने के लिए जो सहायता प्रदान किया जाए जिससे संसाधन और आय के स्तर पर जो असमानताएं राज्यों में विद्यमान है उसको कम किया जा सके। तो ये जो है राज्यों को सहायता प्रदान किया जाता है, और इसके लिए जो है बाकायदा फार्मूला होता है, पूर्व में जो मुखर्जी फार्मूला और गाडगिल फार्मूला था वो इसी से संबंधित है। मुखर्जी
और जो है गाडगिल, गाडगिल जो है फार्मूला, ये जो है राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है। वर्तमान समय में वित्त आयोग के द्वारा बनाए गए जो है फार्मूले के आधार पर जो है राज्यों को सहायता अनुदान जो है प्रदान किया जाता है। तो अब चूंकि वित्त आयोग यहाँ पे आता है, तो हम लोग थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे कि वित्त आयोग किस तरीके से जो गठित होता है, उसके काम क्या क्या है, और कुछ महत्वपूर्ण वित्त आयोग के बारे में जो कि प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। तो 282 में जो है वो विशिष्ट प्रकार के जो है सामाजिक कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट प्रकार के जो है समस्याओं के संदर्भ में जो है ऋण की अनुदान की भी व्यवस्था जो है होती है, जो कि केंद्र से राज्य को जो प्राप्त होता है। ये आर्टिकल जो है 282 के अंतर्गत जो इस तरीके की व्यवस्था की गई है, और 293 में जो है ऋण लेने की व्यवस्था की गई है। और यह जो है राज्य सरकार जो है केंद्र से जो है ऋण जो है प्राप्त कर सकता है अपने कार्यों के लिए या अपने वित्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। इसी के साथ में आर्टिकल 292 में जो है, 292 में केंद्र सरकार, 292 में जो है वो केंद्र सरकार के लिए भी जो है व्यवस्था की गई है कि वो संचित निधि के आधार पर वो आंतरिक बाजार यानी कि देश के अंदर से और बाह्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जो है ऋण प्राप्त कर सकता है। यद्यपि राज्यों के लिए यह व्यवस्था नहीं है कि वह सीधे या प्रत्यक्ष रूप से जो है बाहर से ऋण प्राप्त कर सकता है, वो देश के अंदर या केंद्र सरकार से जो है ऋण प्राप्त करने की जो व्यवस्था इसमें की गई है। तो ये कुल मिलाकर के तीन प्रकार की कंडीशन है आर्टिकल 275, जो कि वित्त आयोग जिसका गठन 280 के अंतर्गत किया जाता है उसके मार्गदर्शन में। 282 में जो है सरकार जो है अनुदान प्रदान कर देती है, उस वो वित्त आयोग के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन से पृथक होता है, और 293 में जो है राज्य सरकार स्वयं अपने स्तर पर जो है ऋण ले सकती है। तो ये तीन संभावनाएं होती हैं जहां से राजस्व का जो है केंद्र से राज्य की तरफ जो है प्रेषण किया जाता है। अब दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देखेंगे, एक जो है वित्त आयोग, दूसरा एफआरबीएम एक्ट। वित्त आयोग और दूसरा है जो है एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रेगुलेटरी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। खैर पहले हम वित्त आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति के लिए जो है ये व्यवस्था की गई है कि वो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन करेंगे। आर्टिकल 280 के अंतर्गत इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का ये दायित्व तो है या अधिकार है या शक्ति है कि वो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर, 5 वर्ष के जो है अंतराल पर वित्त आयोग का गठन करेंगे। और पहला वित्त आयोग इसी क्रम में 1951 ईस्वी में जो है गठित किया गया था। पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केशी नियोगी थे। ये इतना फैक्ट है और ये परीक्षा में जो है अक्सर पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, कितने वर्षों के लिए किया जाता है, 5 वर्षों के लिए। पहला वित्त आयोग 1951 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष केशी नियोगी थे। ये इतना फैक्ट है जिसके बारे में जानकारी होना आप लोगों के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका जो है यहाँ पर हम उल्लेख कर रहे हैं। तो वित्त आयोग के बारे में जो है ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 जो है सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में 2 पूर्णकालिक और जो है 2 अंशकालिक जो है सदस्यों को रखा गया है। यह इसकी जो है एक संरचनात्मक व्यवस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य यानी कि 2 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, इनसे मिल करके जो है इसकी व्यवस्था बनती है जो है। अब पहला जो वित्त आयोग था उसके बारे में देख लिया। हाल फिलहाल के वर्षों में परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण है वो 13वां वित्त आयोग जो है, जिसके अध्यक्ष जो है विजय केलकर थे। विजय केलकर, यहां से भी जो है सवाल जो है पूछा गया है। विजय केलकर जो है 13वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष थे। 14वां वित्त आयोग जो है वो वाई बी रेड्डी की अध्यक्षता में जो है बनाया गया था 14वां वित्त आयोग। और 15वां वित्त आयोग जो है एन के सिंह, 14वां वित्त आयोग जो है वो एन के सिंह
एनके सिंह इसके जो है अध्यक्ष हैं। 2017 ईस्वी में जो है इसका गठन हुआ था और इसके रिकमेंडेशन जो है 2020 से लेकर के जो है 25 के बीच में काम करेंगे, यानी 1 अप्रैल 20 से लेकर के 31 मार्च 25 के बीच में इसके रिकमेंडेशन को जो लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ये है जो है फैक्चुअल व्यवस्था है वित्त आयोग के जो संदर्भ में। विजय केलकर जो आयोग था इसने जो है करों से प्राप्त जो है आय में राज्य को 32% हिस्सा देने की जो है बात किया था और वहीं पर वाईबी रेड्डी ने जो है इसे 42% कर दिया था। अब जो है 2017 में गठित एनके सिंह की रिपोर्ट के अनुसार 20 से लेकर के 25 के बीच में ये रिपोर्ट लग रही है और विभिन्न प्रकार के इसके स्तर पर दिए गए जो है रिकमेंडेशन को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये ज्यादातर चीजें वित्त आयोग के बारे में हम लोगों ने फैक्चुअल देखा जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण होता है। अब इसका कार्य जो बेसिकली क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो है करों से प्राप्त आय के बंटवारे के लिए जो है व्यवस्था करना या उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना और वितरण किस तरीके से किया जाए इसके सिद्धांतों का जो प्रतिपादन करना और राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्दिष्ट विशिष्ट प्रकार के जो कार्यों को समय समय पर निस्तारित करना, ये वित्त आयोग का मुख्य रूप से काम है। या यूं कहा जाए व्यवहारिक स्तर पर वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है गठित एक संवैधानिक जो है निकाय और व्यवस्था है जो कि अनुच्छेद 275 के अंतर्गत जो है विभिन्न करों से प्राप्त आय में राज्यों की हिस्सेदारी की व्यवस्था करने का जो है प्रयास करता है ताकि राज्यों की भी जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना संभव हो सके। इसके लिए इस संवैधानिक व्यवस्था यानी कि वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो हम लोगों ने वित्त आयोग के बारे में भी एक जानकारी कर लिया। अब हम थोड़ा सा एफआरबीएम एक्ट के बारे में पूछेंगे। यहाँ से न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि एक या दो बार जो है इससे मुख्य परीक्षा में भी टिप्पणी के रूप में सवाल पूछा गया है। बेसिकली जो राजकोषीय नीति हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं तो इसलिए एफआरबीएम एक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी कि फिजिकल रेगुलेटरी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। बेसिकली भारत में जो राजकोषीय घाटे की एक समस्या बनी रही, राजकोषीय घाटा हम लोगों ने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि जो राजस्व घाटा होता है उसमें उधार प्लस अन्य देयताएं जब जोड़ दी जाती हैं तो वो हो जाती हैं राजकोषीय घाटा। अब उधार के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जो सार्वजनिक ऋण और बाह्य ऋण सम्मिलित होते हैं, अन्य देयताओं के अंतर्गत कुछ ऐसी प्राप्तियां सरकार को होती हैं जो सरकार की तो नहीं होती परंतु वो सरकार के पास रखी जाती है, एक निश्चित समय के बाद वो जिनका पैसा होता है उसे देना पड़ता है। इसके अंतर्गत जो है आपके जो है एनएससी केबीपी जीआईएस जीपीएफ एनपीएफ इस तरीके के जो पैसे जो है पीपीएफ के पैसे जो है रखे जाते हैं जिसे सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं में लगाती है और एक निश्चित समय के बाद उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ये अन्य देयताएं जो है कहलाती हैं। अब इसको जोड़ने के बाद राजकोषीय घाटे बनते हैं। राजकोषीय घाटे की समस्या हमेशा से बनी रही है, इसलिए सरकार के द्वारा एक रेगुलेटरी जो है बनाने की जो व्यवस्था की गई जिससे कि राजकोषीय घाटे को कम किया जा सके, उसी के पृष्ठभूमि में 2003 ईस्वी में जो है फिजिकल रेगुलेटरी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पारित किया गया कि राजकोषीय नियमन एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। इसमें यह लक्ष्य रखा गया कि 2008 और 2009 के जो है बजट तक हम जो है राजकोषीय घाटे को जीरो जो है ला करके 0% पर जो है रोकेंगे, 0% पर रोकेंगे। लेकिन ये 2008 और 2009 में ये व्यवस्था नहीं बन पाई, इसलिए जो है केलकर ग्रुप बनाया गया। अब ये पूछ सकता है प्रश्न कि केलकर ग्रुप किससे संबंधित है, तो बेसिकली ये राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने तथा देश में जो है वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में राजकोषीय अनुशासन को जो है बनाने के लिए केलकर ग्रुप का गठन किया गया था और इन्होंने यह लक्ष्य रखा था कि 2016 तक जो भारत में वो राजकोषीय घाटे की स्थिति को हम 3% पर ला करके रोकेंगे और कमोबेश इसी के आधार पर जो है सरकार इसके आसपास राजकोषीय घाटे को बनाए रखने का प्रयास कर रही है। और यदि 3% के आसपास राजकोषीय घाटा होता तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं देश की स्थिति जो है सही है, यानी कि राजस्व और गैर योजनागत व्यय जो है एक सीमा के अंतर्गत किया जा रहा है ताकि कि हम पूंजीगत खाते के जो प्राप्तियों को देश के विकास पर खर्च करने में सफल हो सकें। और देश में जो राजस्व घाटा या बजट घाटा क्यों होता है हम इसके पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं जो कि उसके कारण बनते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है भारत में जो है वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में जो केंद्र और राज्य के संबंध को सातवें अनुसूची में की गई जो है 3 प्रकार की जो है सूचियों की व्यवस्था यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से देखा। वित्तीय जो संबंध है बाह्य वित्तीय बाह्य 12 यानी कि दोनों भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में जो है व्यवस्थित की गई है। इसमें कर क्षमता
उपयुक्तता और पर्याप्तता के सिद्धांत का अनुपालन करने का प्रयास किया गया और विशिष्ट प्रकार की स्थिति में केंद्र से जो है राज्यों को अनुदान भी देने की जो व्यवस्था की गई है। विभिन्न आर्टिकल्स के माध्यम से जो है किस तरीके से जो है कर को जो आरोपित करने उसकी वसूली करने और खर्च करने की व्यवस्था है उसको हमने देखा, विशेष करके उपकर और अधिभार कर के बारे में अंतर और अन्य प्रावधानों को देखा, वित्त आयोग और तथा FRBM एक्ट को हम लोगों ने इस लेक्चर में जो समेटने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण और कर से संबंधित जो व्यवस्था वित्तीय प्रशासन केंद्र राज्य के बीच में संबंध है उसको समझने में आप लोगों को मदद मिली होगी। कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट चीजें होती हैं जिसको समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है, तो इसलिए इस लेक्चर को आप एक से दो बार अगर देखते हैं और इस पर आधारित जो नोट्स उसको पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान रहे कि जब कोई विशिष्ट चीज पढ़ते हैं तो एक बार भी चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए एक से दो बार आप पढ़िए और कुछ उसके जो स्पेसिफिक टर्म हो शब्द हो उसको आप दोहराने का प्रयास कीजिए ताकि वो व्यवस्था आपकी तैयारी में कल्चर के रूप में डेवलप हो सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग जो है अब पुनः जो है मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर के आएंगे, यानी कि मौद्रिक नीति जो कि RBI के द्वारा जो है किया जाता है, अगले लेक्चर में हम उसी पर चर्चा करेंगे ताकि जो है समय के रहते हुए ये पूरा जो है विषय समाप्त हो सके। तो नमस्कार, पुनः अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे।